चलो मैं म्यूट कर रहा हूं। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली हमें क्या करना है, मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी जो मैंने सोचा था माइनस मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो रियलिटी में हुआ, दोनों का डिफरेंस ही निकालना मेरा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आने के पीछे तीन रीजन हो सकता है। पहला रीजन होता है उसका मटेरियल। अगर मटेरियल का प्राइस अप्स एंड डाउन हुआ यानी कि प्राइस बढ़ा या तो कम हुआ तो वो डिफरेंस लाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में। सेकेंड रीजन होता है लेबर का, और तीसरा रीजन होता है उसके ओवरहेड का। राइट है नाउ? तो एक एक करके एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मटेरियल को समझेंगे, बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। सो मटेरियल कॉस्टिंग में डिफरेंस आने के पीछे का रीजन, तीन रीजन हो सकते हैं मटेरियल कॉस्टिंग में, मतलब मटेरियल में डिफरेंस आने के। पहले तो दो ही समझते हैं, या तो उसका प्राइस या तो उसकी क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, राइट है? अगर प्राइस बढ़ा या कम हुआ तो डिफरेंस आ सकता है, या मैंने उसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज की या कम यूज की तो डिफरेंस आ सकता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के मटेरियल में डिफरेंस आने के दो रीजन है, राइट है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा कॉस्ट है, यानी मटेरियल के कॉस्ट में डिफरेंस आने के दो रीजन, आइदर उसका प्राइस आइदर उसका क्वांटिटी, राइट है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे एमसीवी, इसको हम लोग बोलेंगे एमपीवी, और इसको हम लोग बोलेंगे MUV, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस, मतलब क्वांटिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यूसेज, राइट है ना? नो, अब सिंपल सी चीज है, अगर मुझे ये पता करना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में डिफरेंस आने का रीजन क्या है, तो दो रीजन है, प्राइस का और यूसेज का। सिंपल सी बात है। सो जो भी मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, अच्छा प्राइस मतलब क्या, कॉस्ट, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी कॉस्ट की, तो कॉस्ट कैसे निकलता है, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकलेगा, कितनी क्वांटिटी खरीदी कितने के रेट से खरीदी, सिंपल है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब मैंने जो सोचा था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, सिंपल सा फॉर्मूला। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। इसका दूसरा फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज करके, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला यूज करके, राइट है ना? यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का सिंपल सा फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट आने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आने के लिए हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। सो दूसरा आ गया हमारा प्राइस, यानी कि प्राइस में डिफरेंस आने के रीजन क्या है, तो मटेरियल प्राइस वेरियंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, माइनस मतलब मैंने क्या प्राइस सोचा था खरीदने के लिए, क्या प्राइस में मैंने खरीदा एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, किस क्वांटिटी सॉरी कितनी क्वांटिटी मैंने परचेस की है। तो अभी तो दो फॉर्मूला हो गया, पहला मटेरियल कॉस्ट वेरियंस और दूसरा मटेरियल प्राइस वेरियंस। तीसरा फॉर्मूला है अपना मटेरियल यूसेज वेरियंस, इसको हम लोग बोलते हैं CPU। ओके, सी मतलब कॉस्ट, पी मतलब प्राइस, यू मतलब यूसेज। यूसेज की बात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सो
ओके, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये हो गया फॉर्मूला कौन सा हमारा, थर्ड वाला यूसेज में। ओके, किसी को डाउट है तो चैट में मैसेज करे या वेट लिख के भेजिए, अगर कुछ नहीं समझा है तो उसको मैं अनम्यूट कर दूं तो वो बोल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक तीन फॉर्मूला समझ में आ गया, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस और मटेरियल यूसेज वेरियंस। प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट की बात करूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला प्राइस का, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तीसरा लास्ट फॉर्मूला मटेरियल यूसेज वेरियंस का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है माई का। तो माई का मतलब हो गया मटेरियल मिक्स वेरियंस और मटेरियल यील्ड वेरियंस। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे मटेरियल मिक्स वेरियंस का, किसका, मटेरियल मिक्स वेरियंस का, तो मिक्स के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा आरक्यू। क्या निकालना पड़ेगा? आरक्यू। आरक्यू का मतलब है रिवाइज क्वांटिटी। ओके, और अगर हम बात करें यहां पे रिवाइज क्वांटिटी निकालने की, तो वेरी सिंपल, एसक्यू की जगह पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन में देखेंगे आरक्यू कैसे निकलता है। एसक्यू की जगह पे हमें आरक्यू लिखना है, तो आरक्यू माइनस एक्यू इनटू एसपी, सिंपल सा फॉर्मूला। वही फॉर्मूला मैंने कॉपी किया है, एग्जैक्ट वही है, सिर्फ एसक्यू की जगह पे मैंने आरक्यू रखा है। ओके, सेकेंड फॉर्मूला में एसक्यू वही रखेंगे, एक्यू की जगह पे आरक्यू डाल देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये हो गया हमारे पांच फॉर्मूला मटेरियल के केस में। ओके, किसी कोई डाउट है, किसी कोई डाउट है तो टेक्स्ट करो।